फ्रेश एंड बाल्टी बॉय, टोटल जोश हमारा है। स्टोरी तुम्हें सुनानी है, हमारी बारी है। Krish? हाँ, और माफी के साथ साथ तुम्हें एक नई ताजा कहानी भी सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, माफ किया। क्या है अगली कहानी? तो अगली कहानी है, नहीं ऐसे नहीं, इसको एक पहेली बनाते हैं। अरे वाह, कपड़े पे बनी तस्वीर। बताओ बताओ कौन हूँ मैं? लेकिन तुम तो क्रिश हो। ओहो बाल्टी बॉय, कौन सी कला है ये? पट चित्र। पट मतलब कपड़ा और चित्र जिसे तस्वीर भी कहते हैं। अरे वाह मेरी सयानी बिल्ली, तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि पट चित्र उड़ीसा की प्रसिद्ध कला है, और ये पट कोई मामूली कपड़ा नहीं है। इसे चित्रकार अपने हाथों से बनाते हैं और उस कपड़े को इमली के बीज और चौक से बने पेस्ट में डालकर उसे मजबूत बनाते हैं। अरे वाह, सुना तुमने बाल्टी बॉय? पट्टचित्र, अब समझा। ओह, हमारे बाल्टी बॉय साहब समझ गए। क्रिश, अच्छा छोड़ो, तो ये कहानी है दो मौसेरे भाई गोकुल और शक्ति की, जिनकी उम्र में तो ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन हिम्मत और साहस में बहुत अंतर था। गोकुल उठ जा बेटा, भूले गया आज शक्ति आने वाला है। उड़ी बाबा, मु तो भूल ही गया। अरे तू तो फिर से टैब लेकर बैठ गया, शीघ्र जाके नहा ले, शक्ति आता ही होगा। हाँ माँ, वो बस जा रहा हूँ। ओहो, पूरा दिन टैब पे, उठते बैठते टैब, नहाता भी टैब के साथ ही है। अपना सर गाड़ ले टैब में। मौसी, मुँह को बड़ी भूख लगी है। अरे मोरो बच्चा, रुक अभी लाई तेरे लिए गर्मा गर्म पोहा। शुक्रिया शक्ति, तुमने बचा लिया मुझे। किंतु कितनी देर तक बचाऊंगा, तुम्हें तो हर घड़ी टैब पे रहते हो। मौसी ठीक कहती है, एबे बंद भी करो ये टैब भाई। तुम्हारे पास टैब नहीं है ना, इसीलिए तुम ये सब कह रहे हो। ये देखो, ये है गोगो, इसके पास दुनिया में हर सवाल का जवाब है। अच्छा ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल, पूछो पूछो। की पूछना है? कुछ नहीं माँ, वो मुँह शक्ति को गोगो के बारे में बता रहा था। हे भोगोबान, तू और तेरा टैब, शक्ति को मत बिगाड़। शक्ति बेटा, तू इस टैब और गोगो के चक्कर में मत पड़। हाँ जी मौसी। वैसे पोहा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। तेरे लिए बनाया था मोरो बच्चा, तुझे पोहा बहुत पसंद है ना? तो मेरा एक सवाल है गोगो के लिए, कहो तो पूछू। हाँ हाँ पूछो। पोहा थोड़ा और मिलेगा? बताओ एबे गोकुल की गोगो, पोहा और मिलेगा क्या? देखो तो उसे। कैसा है रे, हमें नहीं खिलाएगा? हाँ हाँ सब आ जाओ, मिलके खेलते हैं। किंतु ये कौन है? गोकुल का मौसेरा भाई। तुम्हारे पास कौन सा टैब है दोस्त?
टैब? वो शक्ति के पास टैब नहीं है। क्या? यानी कि तुम्हारे पास गोगो नहीं है? नहीं दोस्त, मेरे पास गोगो नहीं है, किंतु ये जरूर है। चलो आओ, एक ता गेम हो जाए। कौन होगा मोरो टीम में? मू तो मू शक्ति की टीम में। चलो चलो शुरू करते हैं। ये पकड़ो। येलो, बच के रहना। पकड़ लिया। बहुत अच्छे गोकुल, तुम्हारी बारी। हे भगवान, फिस्बी को वही जाके गिरना था क्या? कोई बात नहीं, घर चलते हैं, शाम भी हो गई है ना, सूरज ढल चुका है। चलो अरे, घरा क्यों चलते हैं? वहाँ जाके फ्रिस्बी ले आते हैं और एक और खेल खेलते हैं। क्यों गोकुल? नहीं, रहने तो शक्ति, वहाँ नहीं जा सकते, घरा चलो। क्यों? वहाँ क्यों नहीं जा सकते? बस नहीं जा सकते। किंतु भाई, वो फ्रिस्बी तो तुम्हें बहुत पसंद थी ना, मौसा जी ने पिछले जन्मदिन पर तोहफा दिया था। चलो ना भाई, चलकर लेके आते हैं। गोकुल की बात मानो, वहाँ मत जाओ। किंतु क्यों? उधर भूत है। भूत है? अरे पागल हो गए हो क्या भाई, कैसी बातें कर रहे हो? गोकुल सच बोल रहा है, वहाँ सच्ची में भूत रहता है। और कहते हैं वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। तुम्हें लोगों को नहीं आना तो मत आओ, मुँह लेके आता हूँ। नहीं भाई, मत जाओ, वहाँ कुछ अजीब सा है, डरावना। भाई कुछ डरावना नहीं होता, डर हमारे में होता है, हमारे में, इसलिए मैं जाऊंगा, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज थी, मौसा जी का तोहफा। तो बताओ कौन आएगा मेरे साथ? नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो घर जा रहा हूँ। बाय बाय, मैं भी बाय। भाई तुम्हें डर लग रहा है तो मत आओ, मैं अकेला चला जाऊंगा। नहीं भाई, तुम्हें अकेले मत जाओ। तो तुम्हें चलो ना। मुँह कैसे? मोते डर, वहाँ भूत। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता भाई, ये बस तुम्हारा डर है। नहीं, मुँह नहीं जाऊंगा वहाँ। तो ठीक है भाई, मुँह जाता हूँ, तुम्हें घर आ जाओ अकेले इस अंधेरे में। रुको भाई, मैं भी आ रहा हूँ। अरे फिकर मत करो, कुछ नहीं होगा, भूत भूत कुछ नहीं होता। चलो आज खत्म करते हैं ये भूत का किस्सा। भाई सोच लो, आज अगर अंदर गए तो शायद फिर कभी बाहर नहीं आएंगे। सोच लिया भाई, आज अगर अंदर नहीं गए तो शायद इस डर से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इतने पुराने घर में ना तो धूल ना मिट्टी, कुछ तो गड़बड़ है। शीघ्र फ्रिस्बी ढूंढो और चलो यहाँ से। हाँ 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 भाई। अरे वो देखो खिड़की। हाँ वहीं से तो फ्रिस्बी अंदर गई थी, चलो वहाँ ढूंढते हैं। कहानी रोको, बस करो। अरे क्या हुआ बाल्टी बॉय? तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना क्रेश? क्या मैं? क्या तुम चाहते हो मैं डर जाऊं? पहले ये मौसम, फिर तुम्हारा वो मकड़ी वाला मजाक, और अब ये तुम्हारी भूत वाली कहानी। मुझे नहीं सुनी कोई कहानी वानी। हाँ अरे, पर मैं तो। मेरी बात सुनो बाल्टी बॉय, पहले कहानी खत्म हो जाने दो, फिर तुम्हारा जो मन करे तुम वो करना। ठीक है ट्रिश, पर मुझे डर लग रहा है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो ना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। ये मेलो ड्रामा। अच्छा चलो, तो फिर मैंने कहा था। कौन हो
तुम्हें क्यों आए हो यहाँ? मोरा नाम शक्ति है और ये मोरो भाई गोकुल। अरे चुप करो। किंतु क्यों? डरो मत भाई। हाँ तो हमारी फ्रिस्बी यहाँ गलती से आ गई है, हम वही लेने आए हैं। क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता? जी भूत जी, हम बस जा ही रहे हैं। ऐसे कैसे जाने दूँ? अबे तो तुम्हारी मेहमान नवाजी करनी ही पड़ेगी मोते। नहीं भूत जी, हमें जाने दीजिए, दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे। गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। नहीं हमें माफ। हम बस अपनी फ्रिस्बी लेने आए हैं। हे बच्चे, बस बहुत हुआ, मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं भूत जी, नहीं, इसे माफ कर दीजिए, थोड़ा बड़बोला है, नादान है, ना समझ है। आप तो समझदार है ना, हमें जाने दीजिए, एक मौका दीजिए, हम कभी यहाँ नहीं आएंगे, प्लीज। चल ठीक है, तू इतना बोलता है तो देखा, मैंने कहा था ना बुच्ची कितने दिलदार है। एबे चलो, नहीं चाहिए मोते फ्रिस्बी, चलो। इतनी शीघ्रता क्या है? तुम्हें मोरा तीन सवालों का सही जवाब देना होगा, उसके बाद ही तुम्हें जा सकते हो। मंजूर है? नहीं बुच्ची, हम चलते हैं, हमें जाने दीजिए प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई तुम्हें क्या जरूरत थी, फंस गए ना। अरे गोगो है ना, उसके पास तो हर सवाल का जवाब है। क्यों? अरे हाँ, मुँह तो भूल ही गया था। आप पूछिए सवाल, आपको भी तो लगे कि क्या टक्कर का कंपटीशन मिला है। वाह, इतना साहस, चलो अच्छा है। तो मेरा पहला सवाल है, ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ ऊपर जाती है, कभी नीचे नहीं आती। एबे क्या करेंगे, जवाब कहाँ से लाएंगे? ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता। हे भगवान, टैप को चार्जिंग पे लगाना चाहिए था। एबे हम मर जाएंगे, क्या भाई, करें? भाई सुनो मेरी बात, गोगो नहीं तो क्या हुआ, तुम्हें डरो मत। क्यों क्या हुआ, नहीं आता ना जवाब? आता है, आता है, जवाब है उमर। सही जवाब। दादी माँ के नुस्खे। मेरा अगला सवाल है, इंसान का जन्मदिन कितनी बार होता है? अब एक दो तीन, सिर्फ एक बार। अरे भाई ये क्या कर दिया तुमने, ये तो गलत है। ये भी सही जवाब। इस जवाब का मतलब नहीं समझाओगे अपने दोस्त को? उसको समझा दूंगा बाद में, किंतु अभी आपको तो समझा दूं। जन्मदिन सिर्फ एक बार होता है, बाकी सब तो सालगिरहें होती हैं। शाबाश बच्चे, शाबाश, तुझमें कुछ तो खास बात है, यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से हो तुम्हें? हाँ मैं यहाँ से नहीं हूँ, मेरा गांव पहाड़ों के पीछे है, जहाँ हमें हर छोटी चीज के लिए टैब या गोगो का इस्तेमाल नहीं करने मिलता। मेरी दादी माँ कहती हैं कि इंसान के दिमाग से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये गोगो भी तो इंसान के दिमाग का आविष्कार है, क्यों? तो तुम्हें अपनी दादी माँ के सबसे प्यारे हो? जी बिल्कुल। तो मोरो आखिरी सवाल का जवाब दो, अगर 12 मछलियों में से आधी डूब जाएं तो कितनी बचेंगी? मुझे पता है, मुझे पता है। बोलो। 6 मछलियाँ। गलत जवाब। अबे तो तुम्हारी खैर नहीं, आज तुम्हें दोनों मेरा भोजन बनोगे। वो
अर्जुन, किंतु परछाई को कब से भूख लगने लगी? एक आखिरी मौका दो, मुझे जवाब पता है। ठीक है, बोलो। 12, क्योंकि मछलियाँ डूबती नहीं। सही जवाब। जाओ, तुम्हें लोगों को माफ किया, तुम्हारा सामान वहाँ पड़ा है, एबे शीघ्र जाओ यहाँ से। किंतु मोते कुछ कहना है। भाई चलो एबे शीघ्र, क्यों इन सब में पड़ रहे हो? तुम्हें बताने के लिए कि भूत वूत कुछ नहीं होता। जाओ यहाँ से, वरना मैं। वरना क्या? हाँ, हमारा भोजन करेंगे। भूत जी, जो भूत है ही नहीं। कौन है आप? हिम्मत है तो बाहर आइए। हाँ हाँ, हिम्मत है तो आइए बाहर। तो आप भूत नहीं है? नहीं बेटा। तो क्यों सबको डराते हैं? मैं किसी को नहीं डराता, लोग खुद ब खुद डर जाते हैं। हाँ? किंतु यहाँ तो भूत रहता है ना? ऐसा लोग कहते हैं। तुमने कभी यहाँ भूत को देखा अपनी आँखों से? नहीं। किंतु आप यहाँ क्यों रहते हैं? लंबी कहानी है बेटे। कुछ सालों पहले मोते नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया था, जवानी जैसी फुर्ती नहीं थी। फिर क्या, धीरे धीरे अपने बेटों पे बोझ बनता गया और एक दिन मोरो पुत्रों ने मोते घरा से निकाल दिया। कहा जाता मैं घूमता रहा यहाँ वहाँ, फिर ये जगह दिखी, सोना कि यहाँ भूत रहता है। सोचा कि भूत है तो उससे भी मिल लूं। जीने का मन तो नहीं था, इसीलिए यहाँ चला आया। और फिर भूत ने कुछ नहीं कहा? यहाँ आया तो यकीन हो गया कि भूत वूत कुछ नहीं होता। लोगों ने ऐसे ही कहानियां बना के रखी हैं। मोते घरा चाहिए था, और इससे अच्छा घरा शायद मोते कभी नहीं मिलता। भूत के डर से यहाँ कोई आता भी नहीं था, तो मैं चुपचाप यहाँ रहने लगा। किंतु ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूत नहीं हूँ? आसान था। पहली बात तो इतने पुराने घरा में धूल मिट्टी नहीं दिखी, मतलब कोई तो था जो रोज इस घरा की साफ सफाई करता है। और दूसरी बात जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया, वो थी चूल्हे की खुशबू। अंदर आते ही ऐसा लगा किसी ने चूल्हा बुझाया हो। और भूत तो चूल्हा नहीं जलाता है ना? इसका मतलब कोई भूत वूत नहीं होते? भूत तो नहीं होता बेटा, बस डर होता है। मैं भी डरता था इस घर में आने से पहले, किंतु अबे देखो, लोग शायद मुझसे डरते हैं। देखा भाई, मैंने कहा था ना, ये भूत नहीं तुम्हारा डर है। क्यों, अबे दुम दबा के भागा के नहीं तुम्हारा डर? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही थे। शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने डर का सामना किया। तो चलो एक गेम हो जाए। चलो भाई। एक मिनट। अरे अपनी फ्रिस्बी तो लेते जाओ। शुक्रिया अंकल, आपके सवाल बहुत खूब थे। सवाल नहीं, तुम्हारे जवाब बहुत खूब थे। दोबारा मिलने आना, किंतु याद रहे यहाँ कोई भूत नहीं रहता, ये किसी को मत बताना, वरना मोरा घरा फिर से छिन जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए भूत जी, मेरा मतलब है अंकल जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। शुक्रिया मेरे बच्चों, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो तुम्हारी फ्रिस्बी। कहानी खत्म हो गई, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं घर जा रहा हूँ। अरे रुको ना बाल्टी बॉय। नहीं ट्रिश, मुझे मत रोको, बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। जाने दो ट्रिश। अरे बाप रे। देखा बाल्टी बॉय, आज तो मौसम भी बेईमान है। क्यों? जोक मारने की कोशिश कर रही थी ना ट्रिश,
बिल्कुल हंसी नहीं है। अच्छा अच्छा तुम चुप करो ओके।